अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी हमजा मुगल, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो मैं आज का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन के मुताबिक देने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन बहुत है दुनिया में, आप जाते हैं आप देखते हैं कि डिफेंस की फील्ड में भी इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन मेडिकल के अंदर भी है, इसकी एप्लीकेशन हार्वेस्टिंग में भी है, इसकी खेती बाड़ी के अंदर इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करवानी होती है, वहाँ पर चिप्स रिक्वायर्ड होती हैं, वहाँ पर इस तरह की डिवाइसेज रिक्वायर्ड होती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम सुनने जहन में आता है कि कैपेसिटर, रेजिस्टर्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं, या सर्किट्स, इस तरह की चीज़ें जहन में आती है क्योंकि ये इसी से रेलिवेंट फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली, इसको अगर मैं बेसिकली डिफाइन करूँ, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स इसको मिलकर बना है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब ये है, जो यहाँ पर मैकेनिक्स का वर्ड आया उसका मतलब ये है कि उसकी जो मोशन है, किसकी मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मैकेनिक्स जो है, जो कि मोशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉन की सॉरी, तो उसकी मोशन को जो कंट्रोल करने के लिए चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये उसकी पूरी ब्रांच है बेसिकली, इसमें इलेक्ट्रॉन की मोशन को या उसकी फ्लो को, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहते हैं कि उसका जो करंट है, जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है, ये जो ब्रांच है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप ये कह रहे होंगे कि यार तुम्हारी फील्ड है, तुम्हें संभालोगे, ठीक है, आपका इतराज़ दुरुस्त है, लेकिन आप भी तो बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं इस फील्ड से। ये फील्ड आपको एंड्रॉयड मोबाइल्स बना के दे रही है, ये फील्ड आपको कंप्यूटर्स बना के दे रही है, लैपटॉप्स बना के दे रही है, आपको इलेक्ट्रॉनिक के स्मार्ट गैजेट्स बना के दे रही है। तो फ़ायदा तो आप भी ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसे फ़ायदे ले रहा हूँ, मेरी फील्ड फ़ायदा आप भी ले रहे हैं। तो टेक्निकली आपको भी इस फील्ड की नो हाउ होनी चाहिए कि इस फील्ड में क्या क्या हो रहा है, इस फील्ड की एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कंट्रोल है बेसिकली। तो कंट्रोल किस तरह किया जाता है, तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं बेसिकली। डिवाइसेस क्या हैं, डिवाइसेस वो चीज़ें हैं, वो डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं एज़ पर आवर नीड, कि हमारी नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फ्लो करना चाहिए, किस स्पीड से, किस रफ्तार से और किस हिसाब व किताब से और किस क्वान्टिटी में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना चाहिए, सो एज़ दे कुड फुलफिल आवर नीड्स, हमारी नीड्स पूरी होनी चाहिए बेसिकली। तो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसमें हमारे पास डिवाइसेस में आगे टाइप्स भी आ जाती हैं, अगर आप एडवांस में जानना चाहते हैं तो टाइप्स भी आ जाती हैं उसमें, उसमें नैनो माइक्रो डिवाइसेस, नैनो डिवाइसेस और फिर पीका डिवाइसेस और फिर सेमीकंडक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो डायरेक्टली अब मैं जंप करने जा रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन क्या है दूसरी फील्ड्स के अंदर। तो पहला जो मेरे नाम में जहन में मेरा नाम आ रहा है वो है डिफेंस। तो डिफेंस में आप कहेंगे कि हमारा मुल्क तो बहुत पैसे खर्च होता है डिफेंस में, ठीक है, वो एक अलग बहस है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हियर, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी एप्लीकेशन बिलाकर है क्या। तो हम वहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करते हैं, बहुत ही मशहूर है, बहुत पुराने डिवाइस इस्तेमाल की हुई है, उसको हम कहते हैं राडार, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दैट इज स्टैंड फॉर। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एनिमीज के जो एयरक्राफ्ट हैं वो किस, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, एनिमीज़ की जो सबमरीन हैं वो कहाँ कहाँ समंदर में आ रही हैं, एनिमीज़ के जो इवन जो बॉम्ब्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, एनिमीज़ की पोजीशंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ें जो चीज़ हमें बताती हैं उसको हम कहते हैं राडार। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस फ्रॉम द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो आपने देख लिया कि डिफेंस जो है वहाँ पर एप्लीकेशन मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स की। दूसरे नंबर पर जो मेरे ध्यान में आता है वो है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में जो मटेरियल होते हैं हमारे पास, जो इंडस्ट्रियल में हमारे पास मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वहाँ पर हमारे पास होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल होता है, मॉइस्चर कंट्रोल होता है, उसका गेज, उसका साइज़ कंट्रोल जो होता है और उसकी हर चीज़ जो चीज़ कंट्रोल की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस करती हैं। यूँ नहीं कि वहाँ का मॉइस्चर भी कंट्रोल होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही करती हैं। वहाँ पर जो बेसिकली जो आजकल, तो जो अगर आप आजकल देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग जो डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप्स होती हैं जिसके अंदर पूरी कम्प्लीटली डिसीजन मेकिंग होती है, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ही बना कर देती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं मेडिकल फील्ड की, क्योंकि मेडिकल में इसकी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप देखते हैं वेंटिलेटर्स होते हैं, ECG होता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जो प्रोसेस है वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, ECG का प्रोसेस हो गया। ECG के अलावा हमारे पास इसमें होता है ऑसिलोग्राफ्स होते हैं, ऑसिलोग्राफ्स और सबसे मशहूर जो है वो एक्सरेज होते हैं, एक्सरे का जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह वहाँ पर अप्लाई हो रही है, वहाँ पर एक्सरेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फेच करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर जो डिफरेंट बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं, जैसे मैंने ऑसिलोग्राफ का जिक्र किया,
तो और डायथर्मी प्रोसेसेस की आप बात करें तो वहाँ तक भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वास्ट जो है वो एप्लीकेशन मौजूद है, और केमिकल की फील्ड में भी वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन मौजूद है कि कौन सा केमिकल किस क्वांटिटी में आएगा और कब आएगा और कब कितना उसका टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर कंट्रोल भी जो है वो अब आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही कर रही हैं बेसिकली, तो ये केमिकल की फील्ड में भी इसकी एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंटर होते हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी काउंटर काउंटर के अलावा हमारे पास होते हैं वहाँ पर गेज, स्ट्रेन गेज होते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स होते हैं। ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होती है कि इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह बनाते हैं बनाना है उनकी ISO स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टैंडर्ड्स को किस तरह फॉलो करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं। तो ये बात जो है मेक श्योर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है जो इस बात को श्योर करती हैं कि ISO के तमाम स्टैंडर्ड्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो हमारे पास रह जाती है मेडिकल हो गया, डिफेंस हो गया, आपने देख लिया डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ये सब एप्लीकेशन में आ गई। एप्लीकेशन इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो ये जो शॉर्ट वीडियो है, जो शॉर्ट लेक्चर की वीडियो है, इस बात की उदाहरण नहीं हो सकती कि उन सबको एक साथ बयान कर दिया जाए कि और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, दूसरी बहुत सारी फील्ड्स में मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्ट में कि हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है कि हार्वेस्टिंग मशीन जो है वहाँ पर भी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है बेसिकली, जो मशीन हार्वेस्ट करती हैं उसके खेती बाड़ी के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पर भी जो डिवाइसेस डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं कि किस तरह से हार्वेस्टिंग करनी है और दूसरी थ्रेशिंग वगैरह करनी है, इवन वहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग है, तो वहाँ पर जो रोबोट्स वगैरह बनते हैं इस तरह के थ्रेशिंग के लिए या दूसरे प्रोसेसेस के लिए खेती बाड़ी के अंदर, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड तो हर फील्ड में आपको इसका स्कोप मिल रहा है, हर फील्ड के अंदर इसके आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। इवन ये कि मैकेट्रॉनिक्स में भी जो मशीन्स बनाई जा रही हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलाकर बड़े यूजफुल डिवाइसेस आप देख सकते हैं। जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में भी वास्ट जो है वो एप्लीकेशन मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स की, बिकॉज दैट्स द चाइल्ड फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इज मदर फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। तो ये थी कुछ आज की वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी, एक लेक्चर था शॉर्ट सा जिसमें हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन क्या है दूसरी फील्ड्स के अंदर, और दूसरी फील्ड्स के अलावा वो भी हमने सब एप्लीकेशन नहीं बताई, कुछ एप्लीकेशन हैं जिसका हमने जिक्र किया जाए। जैसे बात है वीडियो मैंने कहा कि छोटी है लेक्चर, छोटा शुरू लेक्चर है, कोई बड़ा लेक्चर है नहीं, तो उसके हिसाब से हमने इस बातों को डिस्कस किया है कि चंद एक एप्लीकेशन जो चार पाँच एप्लीकेशन थी वो मैंने दूसरी फील्ड्स के अतबार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशन है वो मैंने आपके सामने गोश गुजार की है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो और इस तरह की मज़ीद आप लेक्चर्स या इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट्रीज आपको चाहिए हो तो मेरा चैनल यूट्यूब पर साइमेंट्री, आप इसको विजिट कीजिए। आप आई एम श्योर दैट यू वुड लाइक एवरीथिंग देयर एंड यू वुड लाइक ऑल द वीडियोज़ एंड ऑल द कंटेंट देयर, आई एम रियली श्योर दैट। तो उसको विजिट करना मत भूलिए, और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। वस्सलाम।